ये व्हाट्सएप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। सब सभी लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड के अंदर लॉस सैंटोस और बाकी आसपास के सभी शहरों में लॉकडाउन था, क्योंकि गाइस यार इस टाइम लॉस सैंटोस के अंदर एक नया मिलिट्री कर्नल आया जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वो एक हफ्ते के अंदर जितने भी गैंगस्टर जितने भी माफिया सबको खत्म करना चाहता है। और गाइस यार लास्ट टाइम ना उसने अंडर वाटर माफिया का भी एनकाउंटर कर दिया। अब यार देखो, इस चीज का बदला तो मैं उससे जरूर लूंगा, लेकिन यार सही टाइम आने पर। ये जो टाइम है ना अभी अपने लिए बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, क्योंकि अभी अपने ऊपर काफी ज्यादा मुसीबतें हैं। अब यार देखो, जितनी भी गैंग्स थी, लॉस गैंग होगी, ब्लास गैंग होगी, ग्रीन गैंग होगी और भी काफी सारे गैंग्स से बंदों को भी उसने अरेस्ट करवा लिया है। और साथ के साथ यहां पर जो बिग माफिया का भाई है वो भी पलिटो में था और उसकी सिक्योरिटी जितनी भी थी सभी को उसने मरवा दिया और उसको भी अरेस्ट करने जा रहे थे, लेकिन वो सही टाइम पर छुप गया और उसने हमें कॉल करा और लेस्टर ने भी बोला उसको बचाना जरूरी है, क्योंकि अगर वो बंदा मिलिट्री वालों के हाथों लग जाता है ना तो फिर उससे ज्यादा मुसीबत हमें हो जाएगी, क्योंकि हमने उसके साथ काफी काम कर रखा है। तो फिलहाल उसको बचाकर मैं लेकर आ गया था नॉर्थ यांगटन में। तो गाइस देखो, उसने बोला था कि वो एक बंदे को गाड़ी लेकर यहां पर भेजेगा और उसके साथ बैठकर हमें जाना है सीधा बिग माफिया के भाई के पास। और बिग माफिया का भाई ना अभी हमें पता नहीं पैसे देगा या फिर कुछ भी देगा, लेकिन उसने बोला था कि तुम मेरे लिए बस ये वाला काम कर दो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा दूंगा, बहुत ज्यादा गाड़ियां दूंगा। अब यार देखो, मुझको गाड़ी वाड़ी नहीं चाहिए, हमारा मेन काम था उसको बचाना जो कि हमने कर दिया है, और अगर अभी वो कुछ भी ना देना तो भी चलेगा। और बाकी यहां पर जो हेलीकॉप्टर वगैरह था वो भी वही ले गया है, तो यार कम से कम मेरा हेलीकॉप्टर तो वापस लौटा दे, क्योंकि मुझे अपने घर पर वापस जाना है। और गाइस यार यहां पर गाड़ी लेकर एक सेकंड, ये बंदा, हां ये वही है यहां पर, ये बिग माफिया का मतलब सिक्योरिटी का बंदा है, तो भी जल्दी से ना इसके साथ हम लोग गाड़ी में बैठकर यहां से निकल लेते हैं। वो दोनों अपना बैठकर आग सेकने में मस्त था, तो इन दोनों को बुलाता हूं और जल्दी से चलता है बिग माफिया के भाई के पास। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट मैं जल्दी से चलकर गाड़ी में बैठता हूँ और गाइस यार यहाँ से निकलते हैं। और इसको देखो भाई साहब, ड्राइवर को आगे वाली सीट पर बैठना, चुपचाप से तुम दोनों पीछे वाली सीट पर बैठ जाओ, क्योंकि आगे वाली सीट पर अभी मैं बैठने जा रहा हूँ। और यहाँ पर ये जो इसका सिक्योरिटी गार्ड है ना, पता नहीं मेरे को क्यों इतने गुस्से में लग रहा था। चल भाई अब चला ले। तो चलो गाइस यार अभी ना फाइनली हम चारों लोग यहाँ पर गाड़ी में बैठ चुके हैं और भाई गाड़ी चला ले, इतना ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास, हमें वापस लॉस सैंटोस भी जाना है, लेस्टर की जान भी खतरे में है। तो चलो गाइस यार अभी ना वैसे मैं ये देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिरकार बिग माफिया का भाई हमें क्या देने वाला है बदले में। अब यार देखो, मेरे को तो ये लग रहा है कि ना इसके पास पैसों की कमी है नहीं, तो शायद से ना ये हमें बदले में पैसा देने वाला है, बाकी तो यार कुछ भी दे दे चलेगा। तो भी जल्दी से हम लोग चलते हैं सीधा बिग माफिया के भाई के पास। और यहाँ पर ये जो इसका सिक्योरिटी गार्ड है कुछ ज्यादा तगड़ी गाड़ी नहीं चला रहा, मतलब कि 100 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से चला रहा है, वो भी स्नो वाले एरिया में। अगर ब्रेक लगानी पड़ गई ना तो गाड़ी बहुत बुरी तरह स्लिप हो जाएगी। तो गाइस देखो, वैसे ये जो बंदा है ना काफी सही गाड़ी चला रहा है, मेरे को लग रहा है कि मुझे इसे अपना ड्राइवर रख लेना चाहिए, लेकिन गाइस ये ना बिग माफिया के भाई के नीचे काम कर रहा है, इसलिए अभी मैं कोई भी मजे नहीं लेने वाला इससे। तो अभी फिलहाल ये शायद से ना लेकर हमें उस जगह पर पहुंच चुका है। तो ओके गाइस, जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल हम लोग उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर बिग माफिया के भाई ने हमें मिलने के लिए बुलाया। तो अभी ना जल्दी से गाड़ी से उतरते हैं और चलते हैं उससे मिलने के लिए। तो कि गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने ट्रेवर और फ्रैंकलिन को ना थोड़ी देर के लिए पीछे लाकर एक छोटी सी बात समझा दिया कि गाइस यार अभी ना मैं अकेले आगे जाने वाला हूँ, तुम दोनों को ना यहीं पर पीछे रुककर मुझे कवर देना है, क्योंकि गाइस यार ये जो बिग माफिया का भाई है ना इसके साथ हमने काफी सारी डील्स करी है, लेकिन यार कुछ पता नहीं है, ये भी हमें धोखा दे सकता है, इसके ऊपर मैं 100% भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ हमें ही पता है और उसके अलावा किसी को भी नहीं मालूम। कहीं ऐसा ना हो कि इसने हमें यहाँ पर मारने के लिए बुलाया हो। बाकी ना अभी इससे बात करते हैं और देखते हैं क्या सीन है। तो चलो गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर बिग माफिया के भाई से बात हो गई। और गाइस यार इसको मैं जैसा बंदा समझ रहा था ना यार, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा ये हमारे लिए 3 बैग में भरकर पैसा लाया है, मतलब कि $30 million है टोटल और 10 मेरे लिए, बाकी जो $20 और फ्रैंकलिन और ट्रेवर के लिए। तो भी जल्दी से इन लोग को भी बुलाते हैं और बैग लेकर यहाँ से निकलते हैं। और साथ के साथ ना इसने हमारे लिए एक बहुत तगड़े हेलीकॉप्टर का भी इंतजाम कर लिया है। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल हम तीनों लोग को बिग माफिया के भाई से काफी अच्छा खासा पैसा मिल चुका है। और गाइस यार बिग माफिया के भाई ने ना मेरे को अरीना वर्कशॉप भी दे दिया है, क्योंकि गाइस यार ये ना लॉस सैंटोस अब कभी भी वापस नहीं आने वाला। और गाइस यार ये कह रहा है कि तुम भी मुझे भूल जाओ, मैं भी तुम्हें भूल जाता हूं। तो चलो यार कोई नहीं, ठीक है फिर। बाकी तो यार बिग माफिया का भाई भी यार बहुत ज्यादा बढ़िया बंदा था, इसने यार कभी भी ना बिजनेस में हमें बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया। और लेकिन यार अभी हमें इससे दोस्ती खत्म करनी पड़ेगी, वरना यार हम लोग पुलिस के अंडर हो जाएंगे। बाकी यार देखते हैं कि अब हम लोग इससे दोबारा कब मिलते हैं, अभी तो कुछ नहीं मालूम। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम तीनों लोग हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ चुके हैं। और गाइस यार ये ड्राइवर हरकतें करना शुरू कर दी इसने, यहाँ पर ये पता नहीं कौन कौन से बटन दबा रहा है। और सामने यहाँ पर बिग माफिया के भाई वगैरह खड़े हुए हैं और ये उनके ऊपर एम लॉक कर रहा है, भाई हरकतें मत कर। तो चलो यार कोई नहीं, अभी ना फटाफट से हम लोग यहाँ पर निकल लेते हैं सीधा लॉस सैंटोस के लिए। बाकी यार ये जो हेलीकॉप्टर ना, इस हेलीकॉप्टर के अंदर लगा हुआ है रॉकेट लॉन्चर, ताकि अगर वहां पर हमें कोई भी परेशान करता है या फिर हमें मारने की कोशिश करता है ना, तो सीधा रॉकेट लॉन्चर चलाकर हम लोग उसका मुंह तोड़ने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा तगड़ा हेलीकॉप्टर है जो कि हमें बिग माफिया के भाई ने दिया।
दिया है। तो यार अभी ना बिना किसी देरी के मैं निकल लेता हूँ लॉस सैंटोस के लिए। वैसे पहुंचने में मुझे मालूम है थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन यार अभी जल्दी से जल्दी हमें पहुंचना होगा। तो गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैं अपने हेलीकॉप्टर को 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगाता लेकर पहुंचने वाला हूँ सीधा लॉस सैंटोस। और गाइस यार अभी ना मुझे राइट की तरफ में ना एक जगह दिख रही है जहाँ पर ना काफी ज्यादा लाइट जल रही है जैसे दिवाली हो। तो अभी ना जल्दी से मैं वहां पर चलकर देखता हूँ और पता करता हूँ आखिरकार ये जगह कौन सी और क्या सीन है। वैसे यार देखने में तो ना मुझे ये एयरक्राफ्ट कैरियर लग रहा है, बट यार जहां तक मुझे याद है एयरक्राफ्ट कैरियर पर इतनी ज्यादा लाइट्स तो नहीं जलती थी, क्योंकि यार वहां पर कोई भी फौजी वगैरह और कोई भी मिलिट्री का बंदा नहीं होता था। तो गाइस यार देखो अभी ना फिलहाल मैं इस जगह के थोड़ा बहुत क्लोज आ चुका हूँ, बाकी यार देखने में तो ये मेरे को पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर ही लग रहा है। और यहाँ पर लेकिन लाइट्स बहुत ज्यादा लग गई है, यहाँ पर जो इस जगह की एयरलाइन है ना यार वहां पर भी काफी कुछ है। और ये ड्राइवर क्या हरकतें कर रहा है भाई, बार बार इन्हें रॉकेट लॉन्चर का बटन दबाया जा रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहता। और ये देखो भाई इसने यहाँ पर पता नहीं क्या करा, उस जगह पर सायरन बजने लग गया। अब यार यहाँ से मुझे भागना चाहिए या नहीं भागना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन यार एक सेकंड रुक जाओ, ये लोग हमसे भिड़ेंगे क्या? ये जो नया वाला कर्नल आया ना इसको भी मैं बताता हूँ, यहाँ पर ना ये हमें थोड़ा बहुत हल्के में ले रहा है, इसकी औकात मुझे दिखानी पड़ेगी। और ये गोली किसने मारी एक सेकंड, यहाँ पर पुलिस वालों का हेलीकॉप्टर भी पहुंच गया इतनी फास्ट। भाई साहब तुम्हारी ऐसे की तरह से हमने जब कुछ करा ही नहीं बेमतलब में किस लिए मार रहे हो भाई, अभी तक तो हमने अटैक शुरू भी नहीं करा था। और ये जो हेलीकॉप्टर हमें दिया है ना बिग माफिया के भाई ने, ये बहुत ज्यादा तगड़ा है, आप लोग को पता ही चल गया होगा इसके अंदर से कैसे रॉकेट लॉन्चर जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर कोई भी हेलीकॉप्टर हमारे आसपास आया ना मुश्किल से 2 सेकंड के अंदर हम लोग उसे डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर देख लो ट्रैवर भी अपना फुल कंट्रोल करने में लगा हुआ आगे बैठ के। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल फ्रैंकलिन जो है मेरे पीछे वाली सीट पर बैठा है और जो ट्रैवर है वो मेरे आगे बैठा हुआ है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, लेकिन जो फ्रैंकलिन है ना वो कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि पीछे की तरफ में ना सिर्फ बैठने की जगह, बाकी आगे वालों को ना रॉकेट लॉन्चर वगैरह कंट्रोल करने हैं। तो यहाँ पर नीचे की तरफ एक बंदा था चलती रही ऐसी की तैसी, यहाँ पर इसको तो मैंने मार दिया। और इधर नीचे एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, इसको भी मुझे डाउन करना पड़ेगा। और सामने भी काफी सारे बंदे आ रहे हैं, यार ये मैं हेलीकॉप्टर कैसे मारूंगा, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को लग रहा है ना मुझे अपने हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ेगा। तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल मेरे अगल बगल दो हेलीकॉप्टर यहाँ पर आ चुके हैं। और गाइस यार ये ना मेरे को थोड़ा बहुत हल्के में ले रहे हैं, इनको भी मालूम नहीं है कि जो हेलीकॉप्टर ना कितना ज्यादा पावरफुल है। टारगेट लॉक करते हुए इसको डाउन करूंगा, चल यहां से निकल। तो गाइस यार देखो मेरे को पता है क्या लग रहा है कि ये जो हेलीकॉप्टर है ना यार ये खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि यार जो मिलिट्री है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है और एक के बाद एक हेलीकॉप्टर ना यहाँ पर आए जा रहा है। तो यार मुझे ना यहाँ से निकलना चाहिए, और अगर ये लोग मेरा पीछा करेंगे ना तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। वैसे एक बात है, मेरा जो हेलीकॉप्टर है ना इनके हेलीकॉप्टर से काफी ज्यादा फास्ट चल सकता है, इसलिए अभी ना मैं अपने हेलीकॉप्टर को बहुत ज्यादा तेज यहाँ से भगाकर निकलने वाला हूँ। मेरा हेलीकॉप्टर चल रहा है 230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बाकी यार पीछे की तरफ में जितने हेलीकॉप्टर थे ना बहुत ज्यादा दूर रह गए हैं, अभी ना मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मेरे को लेस्टर का कॉल आया था, और गाइस यार लेस्टर ने ना अभी हम लोग को बहुत ज्यादा डरा दिया है। तो यार देखो लेस्टर ये कह रहा है कि ना हम लोग ने बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ कर दी, इस टाइम पर ना हमें मिलिट्री वालों से बिल्कुल पंगा नहीं लेना था। अब यार देखो हमारी गलती ये है कि ना हमने यहाँ पर काफी सारे मिलिट्री वाले बंदों को मार दिया है, लेकिन यार देखो रात का टाइम था, ऊपर से हम लोग हेलीकॉप्टर से बाहर भी नहीं निकले, तो मेरे हिसाब से उन लोगों ने हमारी शक्ल तो नहीं देखी। बट यार लेस्टर कह रहा है कि ना अभी कुछ भी कर इस वाले हेलीकॉप्टर को ऐसी जगह गायब कर दो कि तुम्हें भी ना मिले। यार अब मेरे को नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो एक काम करता हूं ना, इस हेलीकॉप्टर को मैं लेकर लॉस सैंटोस नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर मैं लॉस सैंटोस ले गया ना तो क्या पता यहां पर जो मिलिट्री है उसको ये हेलीकॉप्टर नजर आ जाए और वो इसका पीछा करना शुरू कर दे। फिलहाल यहां पर जो पुलिस है ना उसने तो मेरा पीछा छोड़ दिया है। तो गाइस यार देखो अभी यार मेरे को तो नहीं समझ आ रहा कि यार मुझे क्या करना चाहिए। एक काम करता हूं अपने हेलीकॉप्टर को ना और आगे मैं लेकर चलता हूं। यहां पर ये जो पहाड़ है ना ये मेरे को पहाड़ थोड़ा बहुत सही लग रहा है, मेरे को नहीं लगता कि अगर मैं यहां पर ब्लास्ट करूंगा तो किसी और को मालूम पड़ने वाला है। तो भी जल्दी से मैं थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं, ये रोड भी बढ़िया है और जगह भी बढ़िया है। तो जल्दी से मैं अपने हेलीकॉप्टर को यहीं पर उतारता हूं और इस हेलीकॉप्टर को ना गाइस ब्लास्ट कर देते हैं, क्योंकि गाइस यार अभी ना अपने पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। और ऊपर की तरफ में ना गाइस यार इधर अच्छा हिरन है, मतलब डियर है, यहां पर माउंटेन लायन नहीं है, मुझे लग रहा था कि माउंटेन लायन है। तो भी जल्दी से यहां पर जो अपना हेलीकॉप्टर उतर चुका है, तो चल भाई ड्राइवर उतर और देखते हैं अभी क्या करना चाहिए। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम तीनों लोग इस हेलीकॉप्टर से काफी ज्यादा दूर आ गए हैं। वैसे यार मुझे ना इस हेलीकॉप्टर को फोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। तो यार देखो अगर अभी ना हमने इस हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट नहीं कराना तो जो मिलिट्री कर्नल है यार उसको हमारे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि हम लोग इस हेलीकॉप्टर को कहां से लेकर आए हैं, और वो पूरा का पूरा रूट फॉलो कर लेगा। अब यार देखो ये जो जगह ना यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी सीसीटीवी नहीं है, तो एक काम करते हैं इस हेलीकॉप्टर को यहाँ पर ब्लास्ट करके इसका खेल खत्म करते हैं। अभी ना जल्दी से मैं यहाँ पर से थोड़ा सा दूर निकल लेता हूँ और अभी ना इसको मैं थोड़ा दूर जाकर ब्लास्ट करने वाला हूँ, ताकि अगर किसी को नजर भी आए ना तो उसको ये ना मालूम पड़े कि हमने ये जो ब्लास्ट है ये हम लोग ने करा है। तो भी जल्दी से यार थोड़ा बहुत दूर आ जाओ, फिर करता हूं उसको मैं ब्लास्ट। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल हम लोग इस हेलीकॉप्टर को छोड़कर थोड़ा बहुत दूर आ गए और गाइस यार टाइम आ चुका है इसको ब्लास्ट करने का। तो चलो भाई यहाँ पर हमें कर देता हूँ जो ब्लास्ट। ओ भाई साहब ये क्या ब्लास्ट था। अभी ना गाइस यार जल्दी से हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं, तो कुछ ज्यादा ही तगड़ा ब्लास्ट हो गया। और सामने की तरफ में एक माउंटेन लायन है भाई, साइड साइड से आ जाओ, पता चला हमारे पीछे ही पड़ जाए। वैसे इस टाइम ना हमारे पास गन है तो इतनी ज्यादा डरने की बात नहीं है, लेकिन यार गन के चक्कर में ना वो बेमतलब मारा जाएगा, इसलिए ना मैं उससे पंगे लूंगा ना वो मेरे से पंगे लेगा। साइड साइड से मैं निकल लेता हूँ जल्दी से, यहाँ पर ना नीचे काफी सारी गाड़ियां
जा रही है और तुम दोनों आ रहे हो ना, तो अभी ये लोग शायद से ना पीछे रह गए, बस ये लोग उससे मजे ना ले। भाई पता चला कि इनके पीछे वो लायन पड़ गया ना, फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। मुझे कन्फर्म पता, ट्रेवर तो तुरंत गोली मार देगा लेकिन फ्रैंकलिन फिर भी छोड़ देगा एक बार को। तो भी जल्दी से मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। और गाइस यार सामने की तरफ में जो घर है ना, देखने में तो बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब यार देखो, ये जो मिलिट्री कर्नल है ना, कितना भी खतरनाक हो, लेकिन यार इसके जो सोल्जर्स है ना, उनको मैंने बहुत बुरी तरह कूटा था। खैर छोड़ो यार, जो भी अभी ना, फिलहाल मैं भागते भागते आ चुका हूँ सीधा हाईवे की तरफ में। तो भी जल्दी से ना मैं आगे चलकर किसी की गाड़ी छीनता हूँ और फिर हम लोग सीधा निकल लेते हैं अपने घर के लिए। बाकी यार अभी ना लेस्टर से मुझे बात करनी पड़ेगी। लेस्टर ना गाइस यार इस टाइम पर काफी ज्यादा नाराज है, क्योंकि हमने बेमतलब इस टाइम पर मिलिट्री के बंदों से फाइट लिया है। अब यार देखो, अच्छी बात तो यह कि हमने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा, उनके पास कोई भी सबूत नहीं है कि ये काम किसने करा है। बाकी यार देखो, हम लोग हेलीकॉप्टर के अंदर से और किसी का भी फेस नहीं दिखा होगा। मैंने भी हेलमेट लगा रखा था और ट्रैवर ने भी हेलमेट लगा रखा था, और साथ में जो फ्रैंकलिन है उसका तो फेस दिख ही नहीं रहा था। तो भाई साहब जी, अभी जल्दी से ना आपको गाड़ी से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि भाई गाड़ी की बहुत ज्यादा जरूरत है, जल्दी बाहर निकलती रही ऐसी जैसी। और गाइस यार लेस्टर ये कह रहा है कि ना अभी हमें क्राइम थोड़े बहुत कम करने पड़ेंगे, तो जल्दी से आओ गाड़ी में बैठो। और यहाँ पर ये बंदा ना किसी को बता ना दे, इसलिए तेरी भैंस के रंग निकल यहाँ से। तो चलो भाई, अभी मैंने इस बंदे को मार दिया क्योंकि इसने मेरी शक्ल देख ली थी। तो भी ये पीछे इसने क्या लगा रखा है कचड़ा यार, मुझे इसे साइड करना पड़ेगा। तो चलो गाइस यार, अभी ना फिलहाल अपनी कार के पीछे जो ट्रॉली अटैच हो रखी थी उसको तो मैंने डीअटैच कर दिया। और गाइस यार अभी ना मैं बिना किसी देरी के जाने वाला हूँ सीधा लॉस सैंटोस के लिए। और अभी ना मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मुझे कहाँ पर जाना चाहिए, फ्रैंकलिन के घर पर या ट्रेवर के घर पर, या फिर तीनों को लेकर मैं चले जाऊँ माइकल के घर पर यार। लेकिन माइकल का जो घर है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कि मिलिट्री वाले खड़े रहते हैं। अब मुझे मालूम है कि लॉकडाउन बंद हो गया है, बट यार फिर भी काफ़ी सारे मिलिट्री वाले वहाँ पर होते हैं। तो एक काम करते हैं ना, फ्रैंकलिन के घर पर चलते हैं यार, वहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है। तो गाइस यार देखो, अभी ना फिलहाल अपना प्लान था फ्रैंकलिन के घर पर जाने का, लेकिन गाइस यार बीच रास्ते में ना मुझे लेस्टर का कॉल आ गया। और लेस्टर कह रहा है कि जो मेज बैंक टावर है उसके सामने वाली बिल्डिंग के एकदम टॉप फ्लोर पर पहुंचाओ, जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और गाइस यार देखो यार, अभी लेस्टर ने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा ही। तो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते पहुंच तो गया हूं सीधा मेज बैंक टावर, और ये आगे इसके सामने वाली बिल्डिंग जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब यार देखो, जब भी लेस्टर बुलाता है ना, तो कोई ना कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है, इसलिए यार हम लोग बिल्कुल भी टाल नहीं सकते। तो अभी मैं जल्दी से अंदर चलता हूं, और मुझे ना इसके टॉप फ्लोर पर जाना है। सामने की तरफ में कुछ सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग कुछ कहने वाले हैं, और अगर कुछ कहेंगे तो इनका हमें मुंह तोड़ने में ऐसा टाइम नहीं लगेगा। एक सेकंड रुक जाओ, मैं गाड़ी से उतर रहा हूं। इसको लग रहा है ना गन दिखानी पड़ेगी। तो गाइस यार देखो, मेरे को लग रहा है ना सिक्योरिटी गार्ड को ना हमसे थोड़ी बहुत दिक्कत है यहाँ पर, अभी दिक्कत है कि नहीं। फटाफट यहाँ से निकलने में, चुपचाप अंदर जाने दे। यहाँ पर देखो आराम से नहीं मानते, और ये बंदा टॉर्च दिखाकर हमें देख रहा था, वो चुपचाप अपना उधर जाकर खड़ा हो गया। तो अभी ना गाइस यार हमें यहाँ पर से ऊपर जाना है, और ऊपर जाने का रास्ता है कि कोई लिफ्ट विफ्ट यहाँ पर बना रखी है। वैसे यार ये जो बिल्डिंग है ना अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर लिफ्ट नहीं होगी। बाकी यार ये जो बिल्डिंग है ना, है तो बड़ी ज्यादा खतरनाक यार। नीचे से तो कोई भी रास्ता मेरे को नजर नहीं आ रहा, मेरे को लग रहा है यहीं से। ओके ओके ओके, ये जो ऊपर की तरफ में जा रही है ना, ये लिफ्ट ही मेरे को लग रही है, फिर ये सीढ़ियां हैं। बाकी यार यहाँ पर लिफ्ट वगैरह भी इन लोग को बनानी चाहिए थी। चलो यार कोई नहीं, अभी फिलहाल लिफ्ट से ही मैं ऊपर चलता हूँ। और गाइस यार मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर लेस्टर कैसे चढ़कर गया होगा यार, यहाँ पर कोई ना कोई लिफ्ट होगी। चलो कोई नहीं, वापसी में लेस्टर से ही पूछ लेंगे कि कहाँ से आना जाना हमें करना चाहिए। तो अभी जल्दी से चलते हैं सीधा ऊपर। तो कि गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल हम लोग सारी की सारी सीढ़ियाँ चढ़कर एकदम ऊपर आ चुके हैं। और गाइस यार यहाँ पर फ्रैंकलिन का इंतजार कर रहे थे, थोड़ा बहुत पीछे रह गया था। तो भी ना जल्दी से मैं चलता हूँ अंदर की तरफ में। और गाइस यार लेस्टर ने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था, और वो खुद मेरे को कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। बाकी यार इस तरफ में भी देखो कितनी ज़्यादा निचाइयाँ, आगे की तरफ में भी। तो भी जल्दी से मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ और देखते हैं आखिरकार यहाँ पर लेस्टर किधर है। तो गाइस यार देखो, कुछ भी कहो, वैसे ये जो जगह है ना यार, है तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर, और इधर ना हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। मतलब कि जो सामने वाला मेज बैंक टावर है ना, ये ऑलमोस्ट उसके बराबर है। बाकी यार वो देखो सामने की तरफ में लेस्टर खड़ा हुआ है। तो भी जल्दी से मैं इसके पास चलता हूँ, उससे बात करते हैं क्या सीन है। और ये इधर खड़ा है, हल्की सी भी हवा तेज चली ना सीधा नीचे जाके गिरेगा। तो कि गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से पूरी की पूरी बात हो चुकी है। और गाइस यार लेस्टर ये कह रहा है कि हम लोग ने ना एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिलिट्री से फाइट कर सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि यार वो जो मिलिट्री का न्यू कर्नल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रूफ्स बटोरने में लगा हुआ है। अब यार देखो, पहले हमने सर्वर रूम में जाकर जितने भी हमारे पुराने प्रूफ्स थे ना, वो हमने सारे के सारे इरेज कर दिए थे। लेकिन गाइस यार अगर अब हम कोई गलती करते हैं और उसको प्रूफ मिलता है, तो सीधी सी बात है वो हमारे ऊपर भी अरेस्ट वारंट निकाल सकता है। अदरवाइज जब तक उसके पास प्रूफ नहीं होंगे ना, तब तक वो हमें अरेस्ट नहीं कर सकता। तो यार अभी ना हमें जो छोटे मोटे क्राइम में इसको भी खत्म करना पड़ेगा, यानी कि आते जाते बंदों को भी बेमतलब में नहीं मारना है यहां पर। मतलब कि यार लड़ाई बिल्कुल करनी नहीं है। और लेस्टर कह रहा है कि जितना हो सके उतने ज्यादा टाइम टू टाइम कपड़े भी बदलते रहो, और मैक्सिमम टाइम ना मुंह पे मास्क लगाकर निकलो, क्योंकि गाइस यार ये जो मिलिट्री के नए बंदे हैं ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी फिलहाल ना लेस्टर ने हमें टॉप फ्लोर पर जाने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि ये कह रहा है कि अभी तुम लोग लिफ्ट से नीचे आओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए सीधी सी बात है, यहां पर अगर पैराशूट है तो डायरेक्टली तुम अपना ग्लाइड करते हुए भी घर पर जा सकते हो। और बाकी यार जो माइकल का घर है ना, वो यहां से बहुत ज्यादा पास है। तो
जल्दी से मैं एक बार ना ट्राई करता हूँ कि यहाँ से मैं माइकल के घर पर वैसे पहुंच तो नहीं पाऊंगा, बट फिर भी रोड तक तो मैं पहुंच ही सकता हूँ। और गाइस यार ये लोग भी पीछे आ ही गए हैं और आप लोग को सामने मेज बैंक टावर नजर आ ही गया होगा। तो यार अभी मेरे पास पैराशूट है और यार इस तरफ में ना एक लिफ्ट है, तो हम लोग सीधा लिफ्ट से भी तो नीचे जा सकते हैं। ओ भाई हम लोग इतनी देर से यहाँ पर इससे घूम रहे हैं, इससे बढ़िया लिफ्ट से नीचे चलते हैं ना भाई। ये देखो आप जाकर देखिए लिफ्ट। तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं लिफ्ट में बैठकर आ चुका हूँ सीधा नीचे वाले फ्लोर पर। तो गाइस यार अभी ना जल्दी से मैं चलता हूँ सीधा आगे की तरफ में जहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी को खड़ा करा था। वैसे यार वो जो गाड़ी है ना है तो बहुत ज्यादा बढ़िया, और वही मैं सोचू यार लेस्टर आखिरकार ऊपर जाता कहाँ से है। तो अब समझ आया ना लेस्टर यहाँ पर यूज करता है इस वाली लिफ्ट का। यार हम लोग पहले मतलब कि नॉर्मल सीढ़ियाँ चढ़कर चले गए, इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। तो अभी ना जल्दी से हम लोग लिफ्ट से जाया करेंगे। और ये जो जगह है ना ये लेस्टर कह रहा है कि ना अपना इसे दूसरा अड्डा समझ लो, और यहाँ पर भी ना भी कुछ वेपन्स लाकर लेस्टर रखने वाला है। तो भी ड्राइवर तो फिलहाल भाग कर आ गया, और फ्रैंकलिन कहाँ पर रहेगा भैया, फ्रैंकलिन को भी बुलाओ अभी जल्दी से हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर फ्रैंकलिन भी भागता आ चुके, और गाइस यार इस टाइम पर हम तीनों लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो भी जल्दी से यहाँ पर मैं फ्रैंकलिन को उसके घर पर छोड़ देता हूँ, ड्राइवर को उसके घर पर छोड़ दूंगा, और बाकी अभी मैं निकल लेता हूँ अपने घर के लिए। बाकी तो यार यहाँ पर अपनी गाड़ी अंदर कहाँ से आई थी, मुझे अपनी गाड़ी को बाहर निकालने का रास्ता नहीं समझ आ रहा। तो ये वाले रास्ते से भी अपनी गाड़ी जो है बाहर निकल चुके हैं। और गाइस यार अभी ना बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से मैं चले जाता हूँ सीधा अपने घर पर। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर पहुंच चुका हूँ सीधा माइकल के घर पर। और गाइस यार मैंने एक काम करता हूँ, मैं इधर ही उधर जाता हूँ, बाकी ये लोग अपना गाड़ी लेकर आगे चले जाएंगे अपने अपने घर पर। तो चलो गाइस यार अभी ना बिना किसी देरी के मैं अपने घर के अंदर चलता हूँ। और गाइस यार नेक्स्ट डे मैं जाने वाला हूँ सीधा अरीना वर्कशॉप के लिए, जो कि मुझे बिग माफिया के भाई ने गिफ्ट करी है। और गाइस यार आप लोग को याद होगा कि उसके भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स चलते रहते थे, और वो ना इसी काम के लिए लॉस सैंटोस आया हुआ था। बट इस बार वो जो टूर्नामेंट के लिए गाड़ी है ना वो हमसे नहीं किसी और से खरीद रहा था, लेकिन बेचारा पलीटो में फंस गया मिलिट्री वालों से, और हमने उसे बचा लिया, और वो अब कभी लॉस सैंटोस नहीं आने वाला, इसलिए उसका जो बिजनेस है वो उसने हमें संभालने के लिए दे दिया है। बाकी जो बिजनेस है ना अब अपना पर्सनल बिजनेस हो चुका है, और अभी हम लोग जो है अरीना वर्कशॉप में भी काम करने वाले। तो अभी कल मैं जाऊंगा, अभी फिलहाल चल करना फटाफट से यहाँ पर सो जाते हैं। और गाइस यार अभी जो अपनी लैम्बोर्गिनी से आना, और जो बाकी सारी गाड़ियां वो भी मेरे को लेकर आनी पड़ेगी, उन सभी को मॉडिफाई मैं करवाऊंगा बाद में। भी फिलहाल जल्दी से अंदर चलते हैं, और यहाँ पर जो $10 million है इसे भी संभाल के रखना पड़ेगा, और जो अपने बाकी पैसे हैं उनको भी एक साथ इकट्ठा करके मैं अपना कैश में करवा कर अपने सीक्रेट बेस में रखवा देंगे। तो अभी जल्दी से यहाँ पर मैं कपड़े, एक सेकंड रुक जाओ, कपड़े कौन से सही रहेंगे, फिलहाल ये कपड़े सही हैं, तो अभी जल्दी से सोते हैं और नेक्स्ट डे हम लोग जाने वाले हैं अरीना वर्कशॉप के लिए। तो चलो गाइस यार अभी बहुत ज्यादा रात होगी, फटाफट से सो जाते हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर सुबह हो चुकी है, और गाइस यार टाइम आ चुका है सीधा अरीना वर्कशॉप में जाने के लिए। और गाइस यार वहां पर जाने से पहले ना थोड़े बहुत अपने कपड़े भी बदल लेता हूँ, और एक काम करता हूँ बैनी को भी मैं वहीं पर आने के लिए बोल देता हूँ, क्योंकि गाइस यार वो जो टूर्नामेंट है ना वो आज ही होने वाला है, और आज ही हमें ना थोड़ी बहुत अपनी जो गाड़ी वाड़ी है यार वो देखनी पड़ेगी। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अपने कपड़े पूरे के पूरे बदल लिए, और फिर से मैंने पहन लिया वही अपनी पर्सनल फेवरेट आउटफिट व्हाइट वाला कोट पैंट। तो अभी ना जल्दी से बिना किसी देरी के मैं यहाँ से निकल लेता हूँ सीधा वर्कशॉप के लिए। और गाइस यार अभी ना जाने से पहले मैंने बैनी को भी कॉल करके बोल दिया कि वो जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंच जाए, ताकि अगर कोई हमें गाड़ी वगैरह मॉडिफाई करवानी हो तो वो भी मैं हाथ के हाथ ही मॉडिफाई करवा लूं। और गाइस यार मेरी लिमोजिन बाहर कहां से निकलेगी, क्योंकि यार आगे दो दो गाड़ियां खड़ी हुई है, फिलहाल एक गाड़ी मेरे को साइड करनी है, बाकी वो वाली जो गाड़ी है वो तो फिलहाल जिमी ने एकदम सही तरीके से पार्क करी है। तो भी फटाफट से इस वाली गाड़ी को मैं इस तरफ में लाकर पार्क कर देता हूं, और अभी जल्दी से मैं अपनी लिमोजिन ही लेकर जाने वाला हूं सीधा अरीना वर्कशॉप के लिए। और गाइस यार अभी वहां पर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कौन कौन सी गाड़ियां मेरे को मॉडिफाई करवानी चाहिए, और बिग माफिया का भाई तो ये कह रहा था कि जो उसकी सारी की सारी गाड़ियां थे ना वो उसने वहीं पर छोड़ दिया, तो वो भी हमें ही मिल जाएगी। तो भी जल्दी से वहां पर चलते हैं, देरी किस बात की। बाकी तो यार यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कितनी ज्यादा सही लग रही है लिमोजिन रोड पर निकलती हुई। तो बाकी यार इसकी स्पीड वगैरह भी बहुत ज्यादा तगड़ी है, लेकिन अभी ना इसको मैं ज्यादा तेज चलाने नहीं वाला, क्योंकि यार ये बहुत ज्यादा महंगी है। तो गाइस यार अभी ना मैं एक काम करता हूं, अरीना वर्कशॉप जाने से पहले ना चले जाता हूं सीधा बैंक, क्योंकि गाइस यार अभी ना मेरे पास टोटल $810 million है। $10 million वो है जो कि मेरे को बिग माफिया के भाई ने दिया था, और जो बाकी मेरे पास टोटल $800 million पहले का पड़ा है वो सारा का सारा लेकर अभी मैं डालने जा रहा हूं बैंक के अंदर। अभी ना फटाफट से मैं अपनी गाड़ी लेकर आ चुका हूं सीधा बैंक के पास, और अभी जितना मेरे पास कैश है वो सारा का सारा यहां पर जो है मैं डिपॉजिट करवा देता हूं, और फिर अभी हमें कोई भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सीधा ऑनलाइन पेमेंट करने वाले हैं। तो अभी मैं आ चुका हूं सीधा ATM पर। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से मैं अपना पिन कोड डालकर यहां पर जितना भी मेरे पास पैसा है ना वो मैं सारा का सारा अंदर डिपॉजिट करवाने वाला हूं। वैसे एक काम करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी ना 800 मिलियन डिपॉजिट करवाने वाला हूं, तो अभी यहां पर सिर्फ और सिर्फ 800 सेट कर देता हूं, यहां पर कहीं ज्यादा ना हो जाए। तो चलो एक बार मैं चेक कर लेता हूं, हां भाई पूरा का पूरा पैसा यहां पर जा रहा है। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर मेरे को जितना पैसा डिपॉजिट करवाना था वो सारा डिपॉजिट हो चुका है, और जैसे कि आप लोग यहां पर मेरा बैलेंस देख पा रहे हो इस टाइम $800 million हो चुका है, और इस टाइम जो मेरे पास कैश पड़ा हुआ है जेब में वो है $10 million, मतलब कि इतना सारा कैश लेकर मैं नहीं घूमने वाला। तो भी जल्दी से चलते हैं सीधा अरीना वर्कशॉप के लिए, और वहां पर चलकर देखते हैं कि आखिरकार क्या क्या करना है। और गाइस यार मेरे को जहां तक लग रहा है ना अभी मुझे ना वहां पर जाकर काफी सारी चीजें खरीदनी भी पड़ेगी, क्योंकि यार अभी तक जितने भी मतलब वर्कर्स थे और जितना भी मतलब सारा सामान था वो बिग माफिया के भाई का था, लेकिन यार अब जाकर मुझे उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन यार ये है कि जो वर्कशॉप है ना वो अब हमारी हो चुकी है, वो बिग माफिया के भाई की नहीं रही। तो गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, बिना
फिलहाल मैं अपनी लीमो को लेकर पहुंच चुका हूँ सामने वाली रेड लाइट पर। और गाइस सर, इस गाड़ी को चला करना ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने का मन कर रहा है पता नहीं किस लिए। और अभी ना मैं आपको इस गाड़ी का हॉर्न सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो भाई, बहुत गजब का साउंड है इसका। इसके अंदर ना मतलब कि लिबर्टी लूप लगा हुआ है जो कि मेरे को बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। तो बिना किसी देरी के मैं निकल लेता हूँ सीधा अरीना वर्कशॉप के लिए, और अभी वहां पर चलकर देखते हैं हमें क्या क्या करना है। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर आ चुका हूँ सीधा अरीना वर्कशॉप के लिए, और अभी ना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को गैराज से अंदर एंटर करवा लेता हूँ। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर अंदर लेकर आ चुका हूँ वर्कशॉप के। जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को ना यहाँ पर साइड में पार्क कर देता हूँ। और गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर सामने वाली वॉल्स पर देख पा रहे हो, मैंने काफी टाइम पहले भी यहाँ पर आया था, बट यार इतनी ज्यादा तगड़ी पेंटिंग्स और ड्राइंग्स यहाँ पर तो नहीं बनी हुई थी। मेरे को क्या लग रहा है कि अभी जैसे बिग माफिया दोबारा यहाँ पर आया था ना, तो दूसरे वाले टूर्नामेंट के लिए उसने यहाँ पर काफी बढ़िया मॉडिफिकेशन करवाई है। तो चलो गाइस यार, अभी ना मैं फटाफट से बैनी को कॉल लगाता हूँ यार, वो अभी तक ना यहाँ पर पहुंचा नहीं, और उससे पूछते हैं कि आखिरकार वो कहाँ पर रह गया। तो चलो गाइस यार, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर बैनी से पूरी की पूरी बात हो चुकी है। और गाइस यार, बैनी ये कह रहा है कि ये वाला जो अरीना वॉर का टूर्नामेंट है ना, इस टूर्नामेंट में बाहर के व्हीकल्स अलाउड नहीं है, तुम्हें ना बस जाकर यहाँ पर इन्हें पैसे देने, और अपनी मर्जी से वो लोग तुम्हें गाड़ी देने वाले हैं। तो बाकी यार मैं ऊपर चलता हूँ यार, अब पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन जो भी हो अभी ना ये वाला टूर्नामेंट खेल कर देखते हैं, मेरे हिसाब से ज्यादा तगड़ा नहीं है। बस यार जान का खतरा ना हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर आप लोग ऑफिस देख पा रहे हो अपनी अरीना वर्कशॉप का, कितना ज्यादा बढ़िया है। और अब मैं इस अरीना वर्कशॉप को बिग माफिया के भाई की वर्कशॉप नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब ना यार ये मेरी हो चुकी है। तो सबसे पहले ना यहाँ पर जो जो काम की चीजें सबसे पहले मैं खरीद लेता हूँ। तो गाइस यार, अभी ना देखो यहाँ पर ना चार चीजें, पहली एक्सपेंड बिजनेस, दूसरी है मनी वॉल्ट ऑप्शन, तीसरी है गन लॉकर ऑप्शन, तीसरी है सेल बिजनेस। नहीं यार अभी बेचना नहीं है, अभी खरीदा ही नहीं है तो बेचें क्या। तो अभी ना सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वॉल्ट बाय कर लेता हूँ जहां पर मुझे पैसा स्टोर करवाना है। तो ओके गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैंने $450,000 देकर मनी वॉल्ट ऑप्शन बाय कर लिया है, और इसके नीचे एक गन लॉकर ऑप्शन है जो कि यहाँ पर बिग माफिया के भाई ने ऑलरेडी बाय कर रखा था, तो मुझे बाय करने की कोई जरूरत नहीं है। और गाइस यार, अभी ना इधर काफी सारी और भी चीजें जो कि यहाँ पर बाय कर सकते हैं, इधर कुछ बाय एंड सेल प्रोडक्ट्स का है, तो यार मुझे भी समझ नहीं आ रहा बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और हर चीज $500,000, $1,00,000, $1,000,000, इतनी महंगी महंगी है भाई। लेकिन ये है कि जो इनके टूर्नामेंट होते हैं ना, उससे जीतने में पैसा भी बहुत ज्यादा मिलता है। तो भी ना इधर काफी सारे मैचेस है, जैसे कि एक हो गया डेमोलेशन, और भी काफी सारे स्काई वॉर डेथ मैच चैंपियनशिप है। तो भी ना एक काम करता हूं, पर मैं चैंपियनशिप खेलता हूं। तो ओके गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल इन लोगों ने मेरे को रैंडमली कोई भी कार दे दी। और गाइस यार, अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर पहुंच चुका हूं सीधा स्टेडियम के अंदर। तो भी ना जल्दी से बिना किसी देरी के मैं अपनी गाड़ी को यहां पर स्टेडियम के अंदर लेकर चलता हूं, क्योंकि गाइस यार ये जो मैच है वो स्टार्ट होने वाला है। और गाइस यार इधर ना काफी ज्यादा ऑडियंस बैठी हुई है, और अभी मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या होने वाला है, लेकिन इतना पता है व्हीकल डेथ मैच है। और सामने की तरफ से अलग अलग टीम्स की कार यहां पर आ चुकी है, और गाइस यार मैच स्टार्ट भी हो गया, और इस तरफ में रॉकेट लॉन्चर भी चल रहे, तेरी ऐसे की तरह से निकल यहां से। इसको तो मैंने आते ही बहुत बुरी वाली टक्कर मारी है, और जितना मैं सोच के आया था ना, ये जो गेम है ये उससे भी ज्यादा बढ़िया है। अभी फिलहाल मेरी गाड़ी यहां पर नीचे गिर गई है, ये आई सामने से गाड़ी निकलते ही ऐसे की तरह से। और ये रिमोट कंट्रोल कार कौन चला रहा है भाई, ये पिद्दी किसकी है भाई, हटाओ उसको यार। ये रिमोट कंट्रोल कार कौन चला रही है अरीना 4 में, क्या हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। लेकिन यार जो भी है, सामने से ना गाइस ऑटोमेटिकली कोई आरपीजी भी मार रहा है, तो अभी ना मुझे अपनी गाड़ी को रोकना नहीं है। और यहाँ पर इन लोगों ने इतनी ज्यादा घटिया गाड़ी दी है ना भाई, इसके कंट्रोल्स बहुत ज्यादा कूड़ा है। एक काम करता हूँ ना गाइस, थोड़ी देर के लिए ना मैं कहीं पर छुप जाता हूँ, क्योंकि अगर एक भी आरपीजी मेरे आकर लग गई ना, तो मैं बहुत ज्यादा बुरा हारने वाला हूँ। और अभी ना फिलहाल मैंने बिल्कुल भी कैश नहीं कमाया, क्योंकि अभी तक मैंने ना एक भी बंदे को एलिमिनेट नहीं करा, तो मुझे ना किसी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और हमारे ऊपर आ जाएगी गोली, और ये जगह है कवर लेने के लिए। लेकिन यार यहाँ पर टक्कर भी उतनी बुरी वाली पड़ने वाली है, और उस टाइम पर जो आरपीजी है ना वो हर जगह से चल रही है। और गाइस यार मेरे को लग रहा है इस बंदे की गोली पड़ गई है, और ये अपनी गाड़ियों से बाहर निकल गया, अबे तेरी ऐसी की तैसी अरीना वॉर हो रहा है। तो चलो यार अभी मैंने इसको मार दिया, और सामने की तरफ में ना एक बंदा है, इसको ही मारना है। तो गाइस यार देखो, अभी जिसको भी मारेंगे ना, जो भी एलिमिनेट होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर गायब होता जाएगा। चलो यार अभी ना फिलहाल मैंने इसकी गाड़ी फोड़ दी, और दो दो गाड़ी फोड़ गई, लेकिन मेरी गाड़ी बच गई। तो अभी जल्दी से यार मुझे यहाँ से निकलना, चल बे रिमोट कंट्रोल कार लेकर आया था। तो गाइस यार देखो, अभी ना फिलहाल वो जो रिमोट कंट्रोल कार वाला बंदा है ना, उसने अपनी कार को पूरा का पूरा बुलेट प्रूफ करवा रखा है। लेकिन यार उसकी कार में ना कोई भी वेपन नहीं लगा, तो वो हमें मार भी नहीं सकता, बस ये है कि यहाँ परेशान जरूर कर सकता। और ये देखो ये बंदा कहाँ पर छुप के बैठा हुआ है, तेरी ऐसे की जैसे हम लोग बाहर आरपीजी से भिड़ रहे हैं, और यहाँ तो छुप के बैठा हुआ, बाहर निकल। तो चलो यार अभी ना फिलहाल मैंने इसकी गाड़ी को यहाँ से हटा दिया है। और गाइस यार मेरी गाड़ी में भी आग लग चुकी है, मुझे भी यहाँ पर अपनी गाड़ी को छोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा। अभी शिट यार, पहला मैच हम लोग हार जाएंगे। नहीं 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 नहीं, गाड़ी प्लीज फूटी मत, प्लीज फूटी मत, भुज्जा यार मैं बुझाऊं कैसे। ओ शिट यार मेरी गाड़ी फूट गई, और यहीं पर मैं डिस्क्वालीफाई होता हूं यार इस वाले मैच से। क्या यार क्या घटिया गाड़ी दी थी इन लोगों ने मेरे को। तो चलो यार अभी आरपीजी तो नहीं चली ना, वैसे मेरी सेकंड या थर्ड रैंक की आई है, सारी की सारी गाड़ियां यहां से जा चुकी है, तो अभी जल्दी से मैं भी यहां से बाहर निकलता हूं। तो ओके गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल यहां पर चोट तो बहुत ज्यादा लग गई, लेकिन अभी तक पैसा एक भी नहीं कमाया। चलो कोई नहीं, वैसे अभी अपना फर्स्ट मैच था, लेकिन यार मजा बहुत ज्यादा आया। अब यार देखो, मुझे मालूम है पैसा कमाने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन यार ये जो तरीका है ना, इसमें मजा ही अलग है। तो बिना जल्दी से बिना किसी
तरीके यहाँ पर मैं ऊपर चलता हूँ और यहाँ पर भी पता करता हूँ कि और भी कौन कौन से मैचेस यहाँ पर हो रहे हैं। वैसे मैक्सिमम ना यहाँ पर डेथ मैचेस हैं, तो यहाँ पर भी मैं देखता हूँ यहाँ पर एक स्मैश एंड ग्रैब है, होटरिंग आरसी किंग और स्काई फोर्स डेथ मैच है, चैंपियनशिप मैचेस हैं। तो चैंपियनशिप मैच में मेरे को लग रहा है सबसे ज्यादा मजा आएगा, तो अभी दोबारा से चैंपियनशिप मैच में अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे डेथ मैच ही हो रहे हैं, तो गाइस यार ये सबसे तगड़ा डेथ मैच है, तो चलो यार ये वाला खेलते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर इन लोगों ने दोबारा से मेरे को रैंडमली कोई भी व्हीकल दे दिया और गाइस यार ये जो मैच है टरेट मेहम पता नहीं ऐसे करके कुछ नाम था, लेकिन गाइस यार ये देखने में तो मेरे को बहुत ज्यादा तगड़ा लग रहा है और यार मेरे को नहीं समझ आ रहा कि अभी हम मेरे को यहाँ पर क्या करना है। फिलहाल सामने की तरफ में एक चेक पॉइंट है, जल्दी से मैं यहाँ पर चलता हूँ अभी फटाफट से। यहाँ पर जो मेरी गाड़ी है ना वो थोड़ी देर के लिए फ्रोज हो चुकी है और यहाँ पर ओ भाई ये क्या था, एक सेकंड यहाँ पर इतनी सारी गोलियां क्यों मार दी भाई, मेरे को लग रहा है मुझे सर्वाइव करना पड़ेगा और मेरी गाड़ी के सारे टायर पंचर कर दिए भाई, ये कितना ज्यादा मुश्किल है और अब मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा। ओ ओ एक सेकंड यहाँ पर नीचे उतरना पड़ेगा भाई, ऊपर अगर मैंने गाड़ी नहीं, यार नीचे भी गोलियां पड़ रही है और गाइस यार मुझे ना कुछ भी करना है, यहाँ पर जितना हो सके उतने चेक पॉइंट क्रॉस करने हैं। ओ भाई साहब यहाँ पर मेरी गाड़ी नहीं बचने वाली, मेरी गाड़ी बिल्कुल नहीं बचने वाली, यहाँ पर बहुत गोलियां पड़ चुकी है भाई साहब, ये क्या मैच है, एक सेकंड। तो यार अभी ना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को ना यहाँ पर आगे लेकर चलता हूँ, मुझे बस सामने वाले चेक पॉइंट पर पहुंचना है और मेरे को पता है क्या लग रहा है कि बस ना मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही राउंड यहाँ पर मारना है। और गाइस यार अभी ना मेरी गाड़ी में आग लग चुकी है, एकदम आराम से तेज नहीं चलानी भाई, बहुत ज्यादा मुश्किल है चीज यार, लेकिन यह है कि जीतने पर ना बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता है। और अभी फिलहाल ना गाड़ी में ज्यादा आग नहीं लगी है, जहाँ आग इंजन पर पहुंचेंगे ना मैं गाड़ी से कूदने वाला हूँ। बाकी यार अभी जल्दी 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 आगे चलो भाई, ये क्या जगह है यार, इतनी ज्यादा गोलियां क्यों मार रहे हैं, ऐसे मैचेस क्यों हो रहे हैं भाई यहाँ पर अरीना वॉर में। तो भाई सर अभी ना फिलहाल मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि अरीना वॉर के अंदर ये इतने उल्टे सीधे मैचेस क्यों होते हैं और यहाँ पर इन्होंने मेरी गाड़ी पर इतनी गोलियां मारी है कि गाड़ी के नीचे वाले जो दोनों टायर है ना भाई वही टेढ़े हो गए और गाड़ी ने ना अभी आगे चलना ही बंद कर। तो गाइस अभी ना फिलहाल मेरे पास बचे हैं टोटल $9.2 मिलियन, जिसमें से 4.5 लाख का तो मैंने बाय करा था मनी वॉल्ट ऑप्शन और बाकी जो पैसा है वो मैं हार चुका हूँ। एक काम करता हूँ गाइस यार, यहाँ पर लिखा ई टू मैन टू कहता व्हीकल, ओके एक सेकेंड, यहाँ पर मैं अपनी मनपसंद गाड़ी भी खरीद सकता हूँ। ओ भाई ये तो सही चीज है, मेरे को पहले नहीं पता थी, लेकिन यार रिक्वेस्ट लिखा हुआ है तो कंफर्म नहीं है मिले या ना मिले। बाकी यार यहाँ पर ना काफी सारी बाइक्स हैं और मॉन्स्टर ट्रक भी है, स्क्रैबर भी है और भी बहुत कुछ है, सर्वरस तो वो बड़ा वाला ट्रक होता है, तो एक काम करता हूँ डेथ बाइक मंगाता हूँ और इसके अंदर भी तीन एडिशन है क्या, फ्यूचर शॉक नाइटमेयर और तीसरा एपोकलिप्स, एक काम करता हूँ फ्यूचर शॉक मंगाता हूँ और अभी मैंने इसके लिए रिक्वेस्ट कर दी। और गाइस यार ये देखो अपनी गाड़ी हाजिर। बाकी यार ये जो बाइक है देखने में तो बढ़िया लग रही है, मतलब क्या ट्रॉन बाइक जैसी है, लेकिन यार गाड़ी तो बहुत ज्यादा तगड़ी है। अब मेरे को नहीं पता इस बाइक के भी मेरे पैसे कटने वाले या नहीं कटने वाले, जहां तक मुझे पता है पैसे जरूर कटेंगे। तो भी जल्दी से ना मैं अपनी गाड़ी लेकर अभी ये वाला मैच स्टार्ट होगा कि मुझको उसे दोबारा से पेमेंट करनी पड़ेगी, तो यार अभी फिलहाल ये वाला मैच जो है स्टार्ट नहीं होगा, मुझे इस मैच की दोबारा से पेमेंट करनी पड़ेगी। तो चलो यार कोई नहीं, भी फटाफट से मैं अपनी बाइक को यहीं पर खड़े करता हूं और दोबारा से इस वाले मैच की पेमेंट करता हूं। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने दोबारा से इस वाले मैच की पेमेंट कर दी और गाइस यार अब जो है मैं एक चेक पॉइंट मिल जाएगा और यहाँ पर अपना मैच जो स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस यार ये जो अपने बाइक है ना, इस बाइक के अंदर आगे दो दो मिनी गन अटैच हो रखी है और साथ में नीचे दो दो कटर लगे हुए हैं, यानी कि अगर आगे कोई भी बंदा आता है, वैसे बंदा तो आएगा नहीं लेकिन उनकी गाड़ियां जरूर आएंगी, तो मैं उनके टायर काट के पंचर कर दूंगा। तो चलो यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर अपना मैच स्टार्ट हो गया और गाइस यार अभी ना अपने बहुत बुरी तरह गोलियां पड़ने वाली है, अभी जल्दी से यहाँ से मैं अपनी गाड़ी को लेकर निकलता हूँ। ओ भाई कितना ज्यादा खतरनाक है यार, गोलियां मेरे भी लग गई थोड़ी बहुत, तो भी जल्दी से मेरे को अपनी बस बाइक को भगाते रहना है और यहाँ पर बाइक के जो टायर है पूरे पंचर हो गए हैं। लेकिन यार ये जो बाइक है बहुत ज्यादा ओपी है और अब आ चुका है भाई टाइम पैसे कमाने का, मुझे मालूम नहीं था कि हम लोग यहाँ पर बाइक अलग से पैसे देकर भी खरीद सकते हैं, बट यार अभी मालूम पड़ चुका है। और गाइस यार अब मैं बिल्कुल भी हारने नहीं वाला हूँ, जो भी गोलियां चल रही है ना वो सारी की सारी मेरे पीछे चल रही है, अब बस मुझे अपनी बाइक को आगे भगाते जाना है। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल मैं टोटल 5 लैप यानी कि 5 चक्कर लगा चुका हूँ इस एरिया के और यहाँ पर आप लोग ऊपर देख पा रहे हो लिखा हुआ है सर्वाइव फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल 100K फॉर ईच लैप, यानी कि एक चक्कर काटने के मुझे $1,00,000 मिल रहे हैं भाई, कितना ज्यादा बढ़िया है यार, मतलब कि अगर मैं टोटल 10 चक्कर काटता हूँ तो मुझे $1,000,000 मिल जाएंगे भाई, एकदम अंधा पैसा मिलता है यार अरीना वॉर के अंदर। तो चलो यार अभी ना टोटल मेरे को 6 मतलब कि कितने हो गए टोटल, हाँ $6,00,000 गाइस यार मेरे को मिल चुके हैं, एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल मेरे पे $9.8 मिलियन हो चुके हैं और गाइस यार अभी मेरे को और नहीं खेलना क्योंकि यार चांसेस है कि मैं हार भी सकता हूँ और कभी आकर खेलेंगे और भी तगड़ी तगड़ी गाड़ियां लेंगे। तो चलो यार अभी ना बहुत ज्यादा सही है, मजा आ गया। तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मेरे को पैसे हारने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन यार ये जो मैचेस है ना इनको खेलने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। फिलहाल गाइस यार यहाँ पर ना काफी सारे शेल्फ बने हुए हैं जिसके अंदर मैं जो भी मैचेस जीतूंगा उसकी ट्रॉफीज मेरे को मिलने वाली है, तो अभी ये मैं पूरा का पूरा शेल्फ भर दूंगा कुछ टाइम में, लेकिन यार अभी नहीं, अभी एक काम
करता हूँ, मैं फटाफट से यहाँ से निकल लेता हूँ अपनी लीमो लेकर अपने घर के लिए, क्योंकि गाइस अगर मैं यहाँ पर खेलता रहना मुझे पता है मैं बहुत सारा पैसा हार भी सकता हूँ। तो एक लिमिटेड खेलेंगे और अगर खेलेंगे तो बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला टूर्नामेंट खेलेंगे, छोटे मोटे मैचेस नहीं। ये जो छोटे मोटे मैचेस है ना यार, इसमें उतना मजा नहीं आता, मतलब कि छोटी मोटी रेस हो रही है, छोटे मोटे डेथ मैच हो रहे हैं। तो ओके गाइस सर, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अपनी लीमो को अरीना वर्कशॉप से बाहर निकाल लिया और गाइस सर अभी ना मैं बिना किसी देरी के जाने वाला हूँ सीधा अपने घर पर। और गाइस सर उसके बाद अपनी मैं लीमो को वहीं पर पार्क कर दूंगा, फिर जो अपनी लैम्बोर्गिनी से आना और साथ में जो येलो वाली लैम्बोर्गिनी है उन दोनों गाड़ियों को लेकर आऊंगा, क्योंकि यार अभी मेरे पास ज्यादा गाड़ियां बची नहीं है, रोल्स वगैरह सारी बेच दिया है। और फ्री टाइम में जैसे बैनी वगैरह हम लोग जाकर एक नई गाड़ी खरीद कर लाएंगे। बाकी यार पैसों की कोई कमी नहीं है, $800 मिलियन भी अपने पास पड़ा हुआ है और बाकी यहाँ से भी काफी सही कमाएंगे हम लोग अभी अरीना वर्कशॉप से। और ये इधर क्या हो रहा है? अच्छा भाई सब यहाँ पर भाई सारे बंदे एकदम बियर पीपी के पड़े हुए हैं। तो भी जल्दी से मैं यहाँ से निकलता हूँ। और एक सेकंड, यहाँ पर ये बंदा पीछे पैसे मांग रहा था, मैंने कुछ पढ़ा, अभी मैं फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ पर खड़ा करता हूँ। बाकी यार देखो लिमोजिन में जा रहा हूँ, पैसे देना तो बनता है। एक सेकंड भाई साहब, यहाँ पर अगर मेरी गाड़ी में लग गई ना उतर उतर के मारूंगा। अभी फटाफट से यहाँ पर मैं उतरता हूँ और यार ये मेरी गाड़ी में मारेंगे स्क्रैच, मेरे को ऐसा लग रहा है। साइड से निकाले बहुत पिटेगा गंजे। तो अभी जल्दी से मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। यहाँ पर ये जो बंदा है इसको लग रहा है पैसों की जरूरत है। मेरे को पढ़ने तो देता, तू डर के क्यों भाग रहा? तेरी ऐसी की तैसी, यहाँ पर मैं तेरे लिए अपनी लिमोजिन साइड में पार्क करके आया हूँ, इसको पैसों की जरूरत है। वैसे उस पर लिखा यही था नीड सम मनी ऐसे कुछ करके लिखा था, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी रोकी, अदरवाइज मैं गाड़ी रोकता ही नहीं। चलो यार छोड़ो, आज के बाद नहीं रोकूंगा किसी को पैसे देने के लिए गाड़ी। अभी जल्दी से मैं निकल लेता हूँ सीधा अपने घर के लिए। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं अपनी लीमो को लेकर आ चुका हूँ फाइनली माइकल के घर पर। गाइस यार इन स्ट्रीट्स पर ना ड्राइव करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। वैसे यार अभी ना फिलहाल मेरे को अपनी गाड़ी को ना यहाँ पर यू टर्न करके पार्क करना चाहिए, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी थोड़ा आगे लेता हूं। वैसे माइकल का घर एकदम बेस्ट है अगर किसी गाड़ी को यू टर्न करना है, बहुत ज्यादा सिंपल है यहां से यू टर्न करना, मतलब इतनी बड़ी लीमो भी एक ही बार में यू टर्न होगी। और अभी जल्दी से यहां पर मैं अपनी गाड़ी को अंदर पार्क कर देता हूं। तो चलो एकदम परफेक्ट पार्किंग हुई है, अभी फटाफट से मैं अपनी नीली वाली गाड़ी में बैठता हूं और जल्दी से चलते हैं सीधा अपनी लैम्बोर्गिनी लेने। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर मैं घर में आया था जूस पीने के लिए और तभी ना मुझे LSPD से कॉल आया। और गाइस यार वो लोग बोल रहे कि ना अभी हमारे घर पर मिलिट्री वाले आ रहे हैं, तो अभी हमें अपने घर से बाहर नहीं निकलना और वो लोग आकर कुछ पूछताछ करेंगे। अभी यार एक काम करता हूं, जल्दी से ना लेसरो कॉल लगाकर पूछता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर रुकना चाहिए या फिर भाग जाना चाहिए। वैसे यार देखो भागने का तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि यार अपना घर है और घूम फिर आकर हमें वापस यहीं पर आना पड़ेगा। तो चलो कोई नहीं, पूछताछ के लिए आ रहे तो देखते क्या सीन है। बाकी यार हमने कोई भी सबूत नहीं छोड़े थे, अभी मैं फटाफट बाहर चलता हूँ। और गाइस यार ये देखो यहाँ पर पुलिस वालों का सायरन का भी साउंड आ रहा है। तो गाइस यार देखो मैंने एक काम करता हूँ यार, अभी ना मेरे को मिलिट्री वालों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, मैं अपने वेपन्स एकदम सेट कर लेता हूँ ताकि अगर ये लोग मेरे को मारने की कोशिश करें तो मैं इनके मारने से पहले इन्हीं का मुंह तोड़ दूँ। फिलहाल मेरे को लग रहा है ना यहाँ पर गाइस यार देखो गाड़ियां तो आ गई, एक टैंक आया है और भाई ये इतनी सारी मिलिट्री लाने की क्या जरूरत है भाई, एक बंदे से पूछताछ करनी है। तो ये देखो यार ये कर्नल खुद ही यहीं पर आ गया और अभी तक तो मुझे यही लगता था कि कर्नल को मैंने देखा नहीं है। अभी फटाफट से देखते हैं क्या करना है। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर ये जो कर्नल है इसने यहाँ पर अपनी गाड़ी को अंदर ले जाने के लिए बोला और मुझे भी अंदर आने के लिए बोला है। और यार बाकी देख रहे हो सिक्योरिटी कितनी ज्यादा है और यहाँ पर ये मिलिट्री कर्नल करना क्या चाहता है आखिरकार? ये मेरे को मारने तो नहीं आया, तो ये बातचीत करनी है। लेकिन पता है सीधी बात क्या है, इसको ना डर बहुत ज्यादा लग रहा है इस टाइम पर माइकल से और इतनी ज्यादा सिक्योरिटी लाने की वरना क्या जरूरत है। तो चल चल भाई आगे आजा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मेरे को भी कोई डर नहीं लग रहा है, इतने सारे बंदे आ गए। तो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर इस वाले मिलिट्री कर्नल से बात होगी और गाइस ये जो बंदा ना ये हमसे घर पर बातचीत करने नहीं आया, ये हमको डराने और धमकाने के लिए आया है। और गाइस इसको ना सब कुछ मालूम है कि माइकल ही सबसे बड़ा गैंगस्टर है और आज तक माइकल ने किस किस माफिया और कितने बंदों को मारा है। भाई है तो बहुत ज्यादा दिमाग वाला बंदा, लेकिन ये हमें अरेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास इस चीज को लेकर कोई भी प्रूफ नहीं है, सारे के सारे प्रूफ लेसन ने इरेज करवा दिए थे। अब यार देखो इसने ना माइकल और माइकल की फैमिली, माइकल की गाड़ी और घर के अंदर जितना भी सामान है सब चीज की फोटोज खींच चुके हैं और एकदम घर के अंदर घुस के अच्छे से एक एक चीज चेक कर रहे हैं कि वेपन्स तो नहीं है सब कुछ। बाकी घर में तो वेपन नहीं है क्योंकि सारे के सारे वेपन्स यार इस टाइम पर लेस्टर के पास है, जो कि अच्छी बात है। बाकी यार अभी ना हमें कोई भी क्राइम नहीं करना, उनको नहीं समझ आ रहा यार इस वाले मतलब कि कर्नल से हमें कैसे बचना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो यार आप लोग कमेंट में जाकर जरूर बताना। तो यार आज की इस वाली वीडियो में इतने, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूं ओनली 650,000 लाइक के लिए। तो अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से देखना है तो जल्दी से आकर वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम में डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यार आज की इस वाली वीडियो में इतने, मिलते अगली वीडियो में, गुड बाय।